आज का टॉपिक है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। व्हाट इज साइकोथेरेपी? हम जानते हैं कि कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, उसको हम तीन तरीके से ठीक कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट तीन है। पहला तो आप उसको मेडिसिन दो, दूसरा कि आप उसको साइकोथेरेपी दो, ठीक है, और तीसरा है कि आप उसको ECT दो। इतना हम पढ़ चुके थे और हम ये भी देखे थे कि साइकोथेरेपी होता क्या है। तो साइको का मतलब क्या होता है? तो माइंड। थेरेपी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट, यानी कि जो माइंड को ट्रीट करे उसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। साइकोथेरेपी में क्या होता है? एक थेरेपिस्ट होता है। थेरेपिस्ट, व्हाट इज थेरेपिस्ट? थेरेपिस्ट मीन्स जो थेरेपी देता है, और एक मरीज होता है। थेरेपिस्ट और मरीज में एक रिलेशन होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, बातचीत होती है। जो थेरेपिस्ट जो भी कमांड देते हैं मरीज को, पेशेंट को, उसको फॉलो करता है, ठीक है। इसमें तो इस प्रोसेस को हम साइकोथेरेपी कहते हैं। बेसिकली साइकोथेरेपी का मकसद ये होता है कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है, ठीक है, या उसके अंदर का जो इमोशन है, उसके अंदर क्या चल रहा है, रीजन क्या है मेंटल डिसऑर्डर का, तो वो उसके मन मन की बातें को जानना है ना। दिस इज जस्ट लाइक साइकोथेरेपी, ओके। तो आज हम जो टाइप्स देखे थे, आपने इससे पहले साइकोथेरेपी के वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक टाइप्स था, दैट इज इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी क्या होता है? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी इज ए मेथड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन ए पर्सन बाय एक्सप्लोरिंग हीज और हर फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, थिंकिंग एंड बिहेवियर। साइकोथेरेपी बेसिकली, देखिए पहले तो आप नाम समझिए, इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मरीज होगा वो बस एक होगा, एक ही व्यक्ति होगा, और थेरेपिस्ट एक होगा, एक मरीज एक थेरेपिस्ट, ओके। तो कहते हैं कि हम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी एक प्रक्रिया है, एक मेथड है, कहीं पे आपको टेक्निक भी मिल सकता है, टेक्निक है जिसकी मदद से व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग्स है, ठीक है, जिसके वजह से वो उसके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, उसकी बातों को जानना। क्योंकि आप दवा दे रहे हो, दवा से आप उसको ठीक कर रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है, अंदर की बातें, मन की बातें को जानना, ये सारी चीज़ें जो है हम साइको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की मदद से करते हैं, ताकि उसका थिंकिंग, उसका बिहेवियर, ये सब कुछ जो है उसको हम पता कर सकें, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, ओके। कहता है थेरेपी इज कंडक्टेड एज 1-to-1 बेसिस, द थेरेपिस्ट ट्रीट 1 पेशेंट एट ए टाइम। 1-to-1 में समझ रहे हैं कि एक मरीज होगा और एक क्या होगा, थेरेपिस्ट होगा, 1-to-1। एंड तो हाँ, बस इसी को मैं शॉर्ट में आप लिखी हूँ कि 1 थेरेपिस्ट इज इक्वल टू 1 पेशेंट, एक पेशेंट पे एक थेरेपिस्ट होगा। दिस इज कॉल इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ओके। तो हम देखते हैं मेरिट्स कि क्या जो है मेरिट्स हैं साइको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, एक जो पेशेंट है उस पर एक थेरेपिस्ट है, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। देखो कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है तो कहा जाता है कि उसको प्राइवेट ट्यूशन में अकेले जो है उसको सेपरेटली टीचर से पढ़ाया जाता है, सो डेट कि वो और इफ़िशियंट बन सके। क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं हो सकता है कि उस भीड़ में वो नहीं कैच कर पा रहा है, बट अगर उस पर्सनली उसको पढ़ाया जाए तो वो आगे बढ़ेगा। जस्ट लाइक दैट कि एक पेशेंट पे एक थेरेपिस्ट तो काफ़ी इफेक्टिव है, ओके। डिमेरिट्स, क्योंकि फोकस उसी पे रहेगा। डिमेरिट्स ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक थेरेपिस्ट है और 5 जो मरीज है, ठीक है, अब है कि एक एक आदमी पे, मतलब एक थेरेपिस्ट जाएगा एक आदमी के पास, फिर वो थेरेपिस्ट फिर नेक्स्ट आदमी के पास जाएगा, फिर वो थेरेपिस्ट नेक्स्ट आदमी के पास जाएगा, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करता है। ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफेरेंस में क्या होता है ना कि व्यक्ति का जो मन की बातें होती है, जो भी मन में होती है, वो सारे जो है वो थेरेपिस्ट को बता देता है ट्रस्ट करके, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, अल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंस, सेक्सुअल डिसऑर्डर, मार्शल डिसहारमोनी। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं, ये आप जब इसका टाइप्स पढ़ोगे, इंडिविजुअल, हमने क्या बोला, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी का टाइप्स है, और जब आप इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का टाइप्स पढ़ोगे तो उस पर आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी को, ओके। तो देखते हैं टाइप ऑफ इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी 3 प्रकार का होता है, एक साइको एनालिसिस थेरेपी, दूसरा हिप्नोसिस थेरेपी, और तीसरा
एब रिएक्शन थेरेपी, ये तीन जो है टाइप्स है किसके, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के। व्हाट इज इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी इज ए टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। ओके, तो अभी हम वन बाय वन डील करेंगे साइको एनालिसिस थेरेपी। देखिए, हो सकता है कि आपको टाइम में कंज्यूम करूँ, ठीक है, लेकिन आप जो डाउट है, आपके जो भी है डाउट्स, वो क्लियर रहेंगे, ठीक है, कंटेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। सो आप देखते रहिएगा साइको एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस कहता है ना कि अरे यार, मैं ना उसको एनालाइज तो की, लेकिन मुझे मेरा एनालिसिस कहता है कि वो इंसान वैसा है नहीं जैसा वो दिख रहा है। एनालाइज करना, ठीक है, तो साइको मीन्स क्या, माइंड। एनालिसिस मीन्स माइंड को एनालाइज करना। ओके, एनालिसिस को आप ऐसे समझ सकते हो, विजुअलाइज करना। एनालिसिस का मतलब देखना, विजुअलाइज करना आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि हम माइंड को देख रहे हैं। माइंड को देखने का ये मतलब नहीं हुआ कि उसका खोपड़ी खोल ली और देख ली, नो। माइंड को देखने का मतलब है कि उसके मन की बातें जो उसे परेशान कर रही है, जो किसी को बता तो नहीं रहा, बट उसके वजह से उसका मेंटल इलनेस हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे, उसके थिंकिंग चेंजेस आ रहे हैं, ना ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो रहा है, उस चीज़ को जानना साइकोथेरेपी का यही काम ही होता है। तो साइको एनालिसिस वॉज फर्स्ट डेवलप बाय सिगमंड फ्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रेड के द्वारा जो है ये साइको एनालिसिस थेरेपी डेवलप किया गया था। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर साइको एनालिटिक थेरेपी इज द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट विच मे बी कॉन्सियस, सॉरी विच मे बी अनकॉन्सियस बट प्रोड्यूस सिम्टम्स। देखिए, ये सब जो है, ये सब एक तरह से ना बुकेस लाइन है, इसको छोड़िए, आप ऐसे समझिए। जैसे कि क्या होता है, साइको एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ कि विजुलाइज करना है, व्यक्ति के माइंड को आपको विजुलाइज करना है। कैसे आप विजुअलाइज करोगे, तो देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि आप रोगी को, ठीक है, आप रोगी को बोलोगे, उसको पूरी तरह से रिलैक्स करोगे, उसको पूरा मौका दोगे कि आप जो है अपने विचार व्यक्त करिए, ठीक है, और एकदम स्वतंत्र रूप से करिए। आपको मन में जो भी चीज़ें हैं, आप जो बताएंगे मुझे, वो मेरे पास ही रहेगा। आपके मन में जो विचार आता है, ठीक है, जो व्यक्ति के मन में दबाया हुआ है, रिप्रेस्ड आउट है, मतलब अंदर दबाया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, आप लोग खुद से रिलेट कीजिएगा, आपके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसी घटना होगी जिसको अगर वो बात उठती भी होगी तो आप बोलते होंगे, रहने दो, मुझे इस चीज़ पर बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप बात नहीं करना चाहते, उस पेनफुल मेमोरी को मेमोराइज नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको सारी बातें याद है, ठीक है, सारी बातें याद है, यानी कि जो भी चीजें हमारे दिमाग में फिट रहती है, जो भी चीजें हम याद करते हैं, वो सब जाता है अनकॉन्सियस माइंड में। अब अगर आपको अनकॉन्सियस माइंड पढ़ना है तो फिर आप जो साइकेट्रिक वीडियोज है, ठीक है, स्टेजेस वगैरह है, तो वो सब थ्योरी वगैरह में आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सियस अनकॉन्सियस। मैं भी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी आप, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, दिस इज कॉन्सियस माइंड। कॉन्सियस माइंड का मतलब तर्क वितर्क करता है कि नहीं ये सही गलत है, ठीक है, और अनकॉन्सियस माइंड मतलब पूरा फिट रहता है, वो उसमें सब चीज़ें कोडेड है। आपकी जितनी बैड मेमोरी है, या आप उठते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि मेरे घर में बाथरूम कहाँ है, नो, यू नो कि हाँ मुझे, मेरा बाथरूम यह है, मुझे ऐसे उठना है बेड पर से, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है ना, और मुझे बाथरूम मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, ऐसा नहीं ना कि बेड पर से उठे, अच्छा मुझे राइट पैर रखना है, फिर लेफ्ट पैर रखना है, फिर मुझे राइट डायरेक्शन में जाना, ऐसा तो आप नहीं करते। आप एकदम मस्त बिंदास होकर वॉशरूम जाते हो। क्यों? क्योंकि चीजें आपके माइंड में फिट हो चुकी हैं, वो अनकॉन्सियस माइंड में जा चुका है। लेकिन अनकॉन्सियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो पहले पास होती है कॉन्सियस माइंड से। जैसे कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इसको आप 2 महीना लगातार, मतलब रोज रिवाइज करो, ये फिट हो जाएगी आपके मेमोरी में, अनकॉन्सियस माइंड में फिट हो जाएगी लंबे समय तक के लिए। लेकिन कभी तो आप कॉन्सियसली इस चीज को सुन रहे थे, तभी तो आपके अनकॉन्सियस माइंड में गया, ठीक है। चीजें मैं आपको समझा दी हूं, मैं पढ़ाते समय कभी भी टाइम का
चिंता नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, और ये क्या हो सकता है, दूसरा तरीका होता है ना साइकोएनालिटिक में, कि व्यक्ति को जो सपना आता है, ड्रीम, जैसे आपके साथ भी होता होगा कभी कि एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले बड़ा बुरा वाला सपना आ रहा है, मेरे सपने में ये हो रहा है, मेरे सपने में वो हो रहा है ना। तो जो व्यक्ति ड्रीम में फील करेगा, उस ड्रीम को वो जो है, जो थेरेपिस्ट है उसको बताएगा, उस थेरेपिस्ट का क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फाइनली वो कंक्लूजन निकालता है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से इसके मन में चल रही है और मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है साइको एनालिटिक में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या है? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का एक टाइप है। हिप्नोसिस आपने काफ़ी ये वर्ड जो है सुना होगा, वशीकरण करना। कहते हैं ना कि पत्नी जो होती है वो अपने पति को वश में कर लेती है, उसके अंदर वशीकरण शक्ति होती है, ठीक है। स्पेशली जो सासू माँ होती है वो कहती हैं कि जब से मतलब बहू आई है तब से मेरा बेटा जो है अपने पत्नी के वश में हो गया, जो वो कहेगा वो करेगा। वशीकरण मीन्स इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा बिना कुछ सोचे समझे, है ना। तो ये कहावतें हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोसिस। जब बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते हैं उन्हें नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं, वो एक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं, है ना। तो हिप्नोसिस मीन्स वशीकरण, हिप्नोथेरेपी, इसको हम हिप्नोथेरेपी भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? Hypnosis is an artificially induced state in which the person is relaxed and usually suggestible. मतलब hypnosis जो है एक artificial है, मतलब artificial का मतलब है कि एक तरह से planned way में किया जाता है, ऐसा नहीं कि naturally कोई व्यक्ति किसी के वश में जाता है, एक planned way में किया जाता है, ठीक है, एक setup तैयार किया जाता है जिसमें कि person को एकदम relax करवाया जाता है, ठीक है। द रिलैक्सेशन इज गाइडेड बाय द थेरेपिस्ट, और एक थेरेपिस्ट होती हैं जो कि हिप्नोसिस का प्रक्रिया करती है, और वो जो होते हैं काफ़ी ट्रेंड होते हैं। हिप्नोसिस इज ए मीन्स फॉर इंटर्निंग एन अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस, एंड इन दिस स्टेट यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड सजेशन टू ब्रिंग अबाउट डिजायर चेंजेस इन बिहेवियर एंड थिंकिंग। इसका मीनिंग समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा, आपने धार्मिक स्थलों पे ये सब हिप्नो जो वशीकरण जो शब्द है हिप्नोसिस जो है उसको आपने काफ़ी सुना होगा। जैसे कि एग्जांपल, जो भी धार्मिक स्थल होती है वहाँ पे क्या किया जाता है कि हिप्नोसिस का एक गलत फ़ायदा उठाया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं, कोई मेंटली इल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हिप्नोसिस किया जाता है, ठीक है। क्यों? इसीलिए ताकि उसका माइंड को वास कर दे, ठीक है। माइंड को वास करके उसको दिन रात सुबह शाम जो है भगवान के बारे में कि भगवान है, देखो भगवान को फील करो, भगवान तुम्हारे सामने है, मतलब भगवान के बारे में सोचे, ठीक है। ये धार्मिक स्थलों पे बहुत ही अलग अलग, ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर रिलीजन की बात कर रही हूँ, अलग अलग रिलीजन में जो है ये सब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उसको एक बंद कमरा है, अंधेरा कमरा है, ठीक है, अंधेरा कमरा है, एकदम डीम सी लाइट है, ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उस भगवान के बारे में सोचो, उस भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, जब कंटिन्यूस दिन रात सुबह शाम दिन रात इसी काम को बार 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 करवाया जाता है, तो प्रैक्टिस करवाने के वजह से ऐसा व्यक्ति को लगने लगता है कि जो सामने वो देख रहा है, ठीक है, वो भगवान है। क्यों भगवान हमको दिख रहे हैं? क्योंकि जो थेरेपिस्ट है, मतलब उसके लिए कि जो आदमी बोल रहा है वो भगवान है मेरे लिए, जो वो कहेगा वही होगा, ठीक है। तो जो कहता है वैसा ही होता है। अगर कॉन्शियस माइंड, देखिए हमारा जो ब्रेन जो थिंकिंग करता है,
तर्क वितर्क करता है, ठीक है, तो वो कॉन्शियस माइंड करता है। अभी मैं कुछ बोल रही हूँ आपके सामने, तो आप तो तर्क वितर्क कर रहे हैं ना कि ये सही बोल रही है फिर गलत बोल रही है ना, तो कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क करता है। अब उसका इतना दिन रात उसके अंदर इतना प्रैक्टिस करवाया गया कि अब उसका सोचने और समझने का क्षमता खो गया। अब वो बस यही कह रहा है कि जो ये बाबा बोलते सही है बोलते हैं, वैसा ही होगा, मुझे भगवान दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति किसी के वश में चला गया, हिप्नोटाइज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसका कॉन्शियस माइंड था, यानी कि तर्क वितर्क जो करने वाला उसका ब्रेन था, माइंड था, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसको अल्ट्रेशन किया गया, उसको चेंज किया गया। यानी कि हिप्नोसिस में हम कॉन्शियस माइंड को अल्ट्रेशन करते हैं, अल्टर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या तरीका हो सकता है? तो मैं आपको बताई थी ना कि आप उस भगवान को याद करो, याद करो, आंखें बंद करके सोचो भगवान के बारे, मतलब विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है हिप्नोसिस में, ठीक है। चलिए, हिप्नोसिस कैन बी इंड्यूस इन मेनी वेज, सच एज यूजिंग ए फिक्स पॉइंट फॉर अटेंशन, मतलब ध्यान मग्न करना, उसके बाद बोलना कि उस बिंदु को देखो, देयर सो मेनी थिंग्स, ओके। नेक्स्ट है मेथड, क्या प्रक्रिया है? कहते हैं इन हिप्नोथेरेपी रिलैक्सेशन इज गाइडेड बाय द थेरेपिस्ट हु हैज बीन ट्रेन इन टेक्निक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हु हैज बीन आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चन ऑफ पेशेंट। यानी कि जो हिप्नोथेरेपी करवाने वाले कोई नॉर्मल आदमी नहीं, ऐसा नहीं कि हम गए एकदम से हिप्नोथेरेपी दे दी, हिप्नोसिस कर दिए, नो। ये एक थेरेपिस्ट का काम है और एक टेक्निक है, ये कला है, एक स्किल है, जो कि जो ट्रेंड जो थेरेपिस्ट होते हैं वही करते हैं, और वो मरीज से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। नेक्स्ट, इन द एंड ऑफ द सेशन द एफर्मेटिव असेसमेंट फॉर द पेशेंट टू थिंक अबाउट एज वेल एज इंस्ट्रक्शन टू हेल्प द पर्सन अकॉम्प्लिशमेंट। मैं आपको बताई ना कि जब व्यक्ति को बोला जा रहा है कि तुम बार बार भगवान के बारे में सोचो, कंटिन्यू सोचो, दिन रात उसको यही करवाया जा रहा है, तो एक टाइम के बाद वो बोलने लगता है कि हाँ मुझे भगवान दिख रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहा है कि भैया जो सामने वाला बोल रहा है वही हो, उसको विश्वास इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव असेसमेंट, अब वो चीज़ें जो बोल रहा था कि नहीं मुझे भगवान नहीं दिख रहे, अब वो कह रहा है मुझे भगवान दिख रहे, यानी कि अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मरीज है वो देने लगता है, और उसके सारे इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली मानता और फॉलो करता है। इसी को हम हिप्नोटाइज बोलते हैं, इसी को हिप्नोसिस कहते हैं। इसका जो इंडिकेशन है वो एंजाइटी में, स्लिप में, हेडेक, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आपका एक एक चीज़ क्लियर होगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है कि हम एंजाइटी में क्यों यूज़ करेंगे हिप्नोसिस को, सब क्लियर होगा। इसके बाद हम एब्रिकेशन थेरेपी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका इंडिविजुअल साइकोथेरेपी